सभी साथियों को जय भीम। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर कैमरामैन कैमरा को इस तरफ घुमाएं, यहाँ एक प्रोटेस्ट है, एक तरह से आक्रोश के रूप में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय, न सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय बल्कि भारत की उच्च शिक्षा रत विश्वविद्यालयों में रोस्टर को बदल दिया गया है। पहले रोस्टर का लेटर आता है हमारे पास 13 पॉइंट रोस्टर को, 200 पॉइंट रोस्टर को बदलकर 13 पॉइंट रोस्टर को लागू करने के लिए MHRD से होते हुए एक लेटर आता है मार्च में। उस लेटर के बाद यहाँ पर जॉइंट एक्शन कमेटी के तहत हंगर स्ट्राइक भी चलती है। बहुत सारे सोशल मीडिया पर और आपने लगातार उसके प्रोटेस्ट को देखा होगा, लेकिन उसको एक ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। और ठंडे बस्ते में इस रूप में डाल दिया गया था क्योंकि बार बार ये आश्वासन दिया जा रहा था राजनीतिक दलों की तरफ से कि एक सरकार एक अध्यादेश लेके आएगी और सरकार SLP दायर करेगी, तो ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन है उसको निरस्त कर दिया जाएगा। और जो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में 200 पॉइंट रोस्टर था, जो सामाजिक न्याय की बात करता था, उस सामाजिक न्याय की बात को देखते हुए उस रोस्टर को SLP के माध्यम से उसी को बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में हमारे पास दोबारा फिर ये जुडिशरी का डिसीजन आता है कि SLP जो दायर की थी सरकार ने उसको ख़त्म कर दिया गया। हमारे साथ डॉक्टर कृष्ण कुमार जी हैं, मोतीलाल नेहरू कॉलेज से, कॉलेज में पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री के आप प्रोफेसर हैं। आपका अनुभव है एक लंबा यूनिवर्सिटी में रहते हुए, और आने वाले दिनों में दिल्ली यूनिवर्सिटी में AC और EC के चुनाव भी हैं, और इसी बीच में ये हमारे सामने एक बड़ा मुद्दा आता है। सर, आप ये बताइए कि इसको आप कैसे देखते हैं, रिजर्वेशन को इससे नुकसान कैसे होगा? इसमें सबसे पहली बात तो जो 200 पॉइंट रोस्टर है, जिसको एक कठोराघात लगाया है एक प्रपंच रच के, कुटिल चक्र रच के, आपको इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो इतिहास को थोड़ा जानना पड़ेगा। जब यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में 97 में रिजर्वेशन की शुरुआत होती है, तब यहाँ कुछ मनुवादी संगठन इसके खिलाफ थे, लेकिन हम लोगों के संघर्ष के बाद उनमें एक मतैक्यता बनी है और 200 पॉइंट रोस्टर समाज के हर तबके, हर गरीब घर के, क्योंकि सब भारत के नागरिक हैं, भारत एक ऐसा परिवार है जिसमें हर तरह के लोग बसते हैं, यहाँ विविधता में अनेकता है। और हम बच्चों को पढ़ाते किस लिए हैं? पढ़ाने का मकसद है वो अच्छी नौकरी में जाए, देश की अच्छी लेवल से सेवा करें। अगर आप उसके लिए रास्ते बंद कर देंगे तो आने वाली जनरेशन सदमे में आ जाएंगी। और ये 200 पॉइंट रोस्टर ही सामाजिक न्याय का आधार है और इसको हमें बचाना है, हर हालत में बचाना है। आप अपना नाम बताइए सर। डॉक्टर मिथुन कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, दिल्ली यूनिवर्सिटी। आप इस ये जो दिखाई दे रहा है, हम चारों तरफ से डूटा जिंदाबाद, जॉइंट एक्शन कमेटी जिंदाबाद, हमारा रिजर्वेशन जिंदाबाद, ये सारी चीज़ें जो चल रही है, इसको आप कैसे, किस नज़र से देखते हैं, इसका समाधान क्या होगा? मैं इसको एक संघर्ष की एक कड़ी के रूप में देखता हूँ। बहुत सारे संघर्ष करके हम सब यहाँ पे पहुँचे हैं, और अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए, उन बच्चों की पढ़ाई के लिए, चूँकि हम तो नौकरी पा गए हैं, लेकिन हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी अगली पीढ़ी का क्या होगा, हम उसका भविष्य सुरक्षित करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और बहुत सारे संघर्ष हुए हैं, बहुत सारे अपने हक के लिए, अपने हकूक के लिए, अपने अधिकार के लिए हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। उसी संघर्ष की ये एक कड़ी के तौर पर मैं इस चीज़ को देखता हूँ। हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं और यहाँ सड़कों पर उतरे हुए हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अगर ये लागू होता है तो इससे SC ST OBC को कितना नुकसान होगा, आपको क्या लगता है? इससे बहुत बड़ा नुकसान होने ये जा रहा है कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो पूरी तौर पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पर 12 पोस्ट हैं, 10 पोस्ट हैं, 13 से कम ही हैं, तो वहाँ पर तो SC ST का कोई होगा ही नहीं। और जब नहीं होगा तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, उनका भविष्य क्या होगा? हम अपनी सोसाइटी को, जिस सोसाइटी से हम आते हैं, जिस गाँव से आते हैं, जहाँ के लोगों से हम मिलते जुलते हैं, वहाँ का क्या होगा, उनका क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा? सारी लड़ाई वहाँ के हमारे बच्चों के भविष्य को लेकर के है। हमारे साथ विश्वविद्यालय के और भी बहुत सारे टीचर हैं, आइए सर सबसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर अनुज कुमार तरुण हूँ। आप यहाँ कब से हैं, मतलब क्या आप? पिछले 97 से हम लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, अभी रिसेंटली हाल फिलहाल में आर्थिक आधार पर गरीबों को आरक्षण दिया गया, दूसरी तरफ SLP खारिज होती है, तीसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि जो बैकलॉग था SC ST OBC का, उसको भी नहीं भरा गया। जो आपका टीचर्स, पूरी के पूरी टीचर्स यूनिटी है, वो टीचर यूनिटी इसका क्या समाधान देखती है, मुझे संक्षेप में बताइए। बहुत बहुत साफ, बुरा मत मानिएगा, रिजर्वेशन के नाम पे चाहे जिस भी संगठन के लोग हों, वो सब एक हो जाते हैं, एंटी रिजर्वेशन के नाम हो जाते हैं वो।
हमारे लोग बटे हुए हैं, डिवाइड हैं, जिसका फ़ायदा वो उठाते हैं। तो तमाम लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप चाहे जिस दल में रहें, जिस पार्टी में भी रहें, लेकिन आरक्षण जो अधिक संवैधानिक अधिकार है आपका, इसके लिए आपको एक हो जाना चाहिए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है हमारे शिक्षकों ने। वो ये मानते हैं बहुत अच्छी तरह, आप किसी भी राजनीतिक दल के हो, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी विचारधारा के हो, लेकिन सामाजिक न्याय के सवाल पर हम लोग इकट्ठे हैं, साथ में हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे बीच में निकल कर आ रही है, क्योंकि आने वाली जनरेशन इसके लिए जवाबदेह ही होगी। आप देख रहे हैं मेरे पीछे लगातार आक्रोश के रूप में यहाँ लोग इकट्ठा है। हमारे साथ डूटा के जो दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन है, जो पूरे इंडिया में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, उनके हमारे सचिव भी हैं, पूरे सचिव रह चुके हैं और बहुत सड़कों पर उतर कर काम करने वाले हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे, सर ये बताइए कि आप इसको कैसे देखते हैं, आने वाले दिनों की क्या दिक्कतें होंगी, खासकर SC ST OBT टीचर्स के लिए, स्टूडेंट के। जिस तरीके से मैडम इसको देखते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन का आनंद नहीं, डायरेक्टली हमें इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि देश के में ये सीधा जो अटैक है, ये देश के संविधान के ऊपर अटैक है, देश की संवैधानिक वैल्यू के ऊपर अटैक है, और इस देश की डेमोक्रेसी के ऊपर एक सीधा सा अटैक है। क्योंकि जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, लोग बहुत संकीर्ण मानसिकता के साथ देखते हैं। आज अगर हम जुडिशरी में देखें, कुछ एक परिवारों के लोगों का कब्जा है और वो उस कब्जे के तहत ही उनकी ये मानसिकता दर्शाता है। जब देश के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन है, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, जो दलित शोषित समाज को एक बराबरी का दर्जा मिल सके, उस तरीके से उनके प्रतिनिधित्व का एक प्रतिनिधित्व का प्रोविज़न किया, उसके ऊपर जो आज अटैक किया है कि 13 पॉइंट जो रोस्टर है वो अपने आप में एक इनकम्प्लीट रोस्टर है, क्योंकि 200 पॉइंट रोस्टर के माध्यम से हम सभी समाज के सभी वर्गों को ठीक प्रतिनिधित्व दे सकते हैं। ये उसको ख़त्म करने की और सामाजिक जो वैल्यू है या जो संवैधानिक वैल्यू है, सीधा सीधा उनको ख़त्म करने की एक सोची समझी कोशिश है, और ये दर्शाता है कि सरकार का माइंडसेट किस तरीके का है। जब सरकार को वोट लेनी होती है, प्रधानमंत्री को वोट लेनी होती है, तो वो अपने आप को एक पिछड़े समाज का प्रतिनिधित्व के रूप में, एक नुमाइंदे के रूप में शो करता है, और आने के बाद अगर सबसे पहले अगर किसी के ऊपर अटैक करता है तो वो दलित के ऊपर, शोषित के ऊपर और इस दबे कुचले समाज के ऊपर। और आज हम देख रहे हैं EWS के जो रिजर्व 10% जो रिजर्वेशन का प्रोविज़न किया है अगड़े समाज के लिए, वो सीधा का सीधा उनको एक मैसेज देने की कोशिश है कि हम किसी तरीके के कोई संविधान को नहीं मानते, और इस सारी संवैधानिक वैल्यूज़ को ख़त्म करके वोट बैंक के चक्कर में इन दलितों को, इन शोषितों को इसी तरीके से दबाते रहेंगे, और यही उनकी मानसिकता दर्शाती है। आपने सुना, आज एक बदलाव आया है, हमें बदलाव दिखाई दे रहा है, और ये नारे जो आज दिखाई दे रहे हैं शिक्षण संस्थाओं में, जय भीम, जय भारत, जय सावित्री, जय बिरसा, जय मुंडे, ये बहुत बहुत एक बदलाव की तरफ दिखा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ इसका जो एक भयानक पक्ष हमारे सामने आ रहा है, SC ST OBC टीचर्स को 13 पॉइंट रोस्टर के माध्यम से, उन विद्यार्थियों को जो लाइन में है रोजगार की, जिन्होंने नेट और JRF क्लियर किया है, वो जब उस लाइन में खड़े होंगे तो ये अलग तरह की विडंबना से आज हम गुजर रहे हैं। कैंपस, खासकर जो कैंपस कभी एक गढ़ हुआ करता था, जहां जय भीम के नारे नहीं लगा करते, आज लग रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हमारी विडंबना है कि हमारे ही नुमाइंदे जो सरकारों में बैठे हुए हैं, जो राजनीतिक दलों में हैं, वो प्रतिनिधित्व सरकारों का नहीं करते। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, यहाँ आप हमारे दस्तकर भी आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने माने जो हमारे एकेडमिक काउंसिल के मेंबर रहे हैं, और न सिर्फ विश्वविद्यालयों में संघर्ष करते हैं साथियों के साथ, बल्कि सड़कों पर भी बैठते हैं, हंगर स्ट्राइक जैसे इन्होंने प्रोग्राम किए हैं। हमें बहुत अच्छी तरह याद है, सर के साथ मेरी भी भागीदारी रही, जॉइंट एक्शन कमेटी आपने बनाई, उसके माध्यम से आप हंगर स्ट्राइक पर रहे, लेकिन इसके बावजूद भी वो सारा का सारा सर एक तरह से बंद बस्ते में डाल दिया गया। और आज क्योंकि हाईकोर्ट का जो, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के डिसीजन को ही एक तरह से उसने स्थिर रखा, इस पे अब आप क्या करेंगे, आपको क्या लगता है क्या किया जाना चाहिए? देखिए, सुप्रीम, हमारे साथ हैं हंसराज सुमन, एकेडमिक काउंसिल के मेंबर हैं, और आने वाले दिनों के और पहले भी जिन्होंने सड़क तक की लड़ाई विश्वविद्यालयों से लेकर लड़ी है, वो उनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या है, इसको देखते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो शुरू से ही जातिवादी और मनुवादी विचारधारा कर रहा है,
क्योंकि वहाँ हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। SC ST OBC का जब तक जो है न्यायालयों में रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तब तक जो है आरक्षण की बात बेमानी है वहाँ पर, क्योंकि तमाम जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक जो है जज बैठे हुए हैं वो कभी नहीं चाहते कि SC ST OBC को आरक्षण दिया जाए। ये जो अभी SLP खारिज की है वो खारिज करने के पीछे ये है कि उच्च शिक्षा में SC ST OBC के कुछ लोग आना शुरू हुए थे और जैसे ही आना शुरू हुए उन्होंने आते ही सबसे पहले डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर का, क्योंकि छोटे छोटे डिपार्टमेंट हैं जहां चार या पाँच पोस्टें हैं वहाँ कभी भी SC भी नहीं आ पाएगा और ना ही ST आ पाएगा। ऐसी स्थिति में जो है SC ST OBC ना आने पाए हायर एजुकेशन में, तो सरकार ने जो है ये पूरी तरह से जो है आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। आने वाले दिनों की क्या चुनौतियां, आप इसको लड़ेंगे कैसे? कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, यूनिवर्सिटी तुरंत लागू करेगी, तैयार बैठी हुई है, अपने लोग उनको अपॉइंट करने हैं, उनको SC ST OBC से कोई मतलब नहीं है। ऐसी स्थिति में आप यूनिवर्सिटी में, यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, पूरे भारत की यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो टीचर्स है, टीचर्स एसोसिएशन है, वो दिल्ली की तरफ देखती है। दिल्ली का बैठा हुआ टीचर क्या करता है, पूरे भारत में उसकी आवाज़ जाती है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पूरे भारत के अध्यापकों को आप क्या कहना चाहेंगे, इसका रास्ता क्या होगा? क्या आप अध्यादेश लाने के लिए जोर डालेंगे सरकार के ऊपर, या संसद का घेराव करेंगे, या आप क्या ऐसी रणनीति अपनाएंगे? हमारे दर्शक, दलित दस्तक के दर्शक जो बहुत चेतनशील हैं, अंबेडकरवादी हैं और सामाजिक न्याय पर लड़ते रहते हैं, वो दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, हमने फिर से वही, जैसे हमने 2 अप्रैल को पूरा जाम किया था भारत बंद का, उसी तरह से एक बार फिर जो है हमें भारत बंद का आह्वान करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी लड़ाई है। हमारे जितने भी सांसद है वो किसी भी पार्टी के हैं, वो एक भी जो है संसद में नहीं बोलता है तो उनका भी घेराव करना पड़ेगा। अध्यापकों को कैसे लेकर आएंगे? अध्यापकों को हम जुटाएंगे, क्योंकि जो है, जो हमने एक ज्वाइंट एक्शन टू सेव रिजर्वेशन का एक प्लेटफॉर्म बनाया था, उसके द्वारा पूरे भारतवर्ष के टीचर्स को, क्योंकि जिनके लिए किया जा रहा है, यदि वही नहीं मंच पर आएंगे तो आने वाली पीढ़ी कभी हमें माफ़ नहीं करेंगी। तो इसलिए मैं उन सभी शिक्षकों से आह्वान करता हूँ जो जहाँ पर भी है, चाहे वो रिसर्च स्कॉलर है, और छात्रों को तो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि अगर वही नहीं आ पाएंगे तो आने वाले जो है जो दिनों में उनके लिए सीटें नहीं रहेंगी। इसलिए जो है, जैसा 2 अप्रैल को भारत बंद हुआ था ऐसा ही बंद करने का आह्वान। सर, मैं आपको बीच में टोकते हुए ये कहूँगी, रोस्टर का जो सवाल है आम आदमी को समझ नहीं आता, आरक्षण शब्द समझ आता है। आप मुझे ये बताइए कि आम आदमी को आप कैसे जोड़ेंगे इससे? आम आदमी को इससे जोड़ेंगे कि आरक्षण खत्म हो रहा है, रोस्टर नहीं। देखिए, हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, आरक्षण की बात नहीं। अगर जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हमें उस हिस्सेदारी को चाहिए, क्योंकि आरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाबा साहब ने दिया ये आरक्षण और रिप्रेजेंटेशन भी बाबा साहब ने दिया है। तो हम लोगों को सामने ले जाएंगे कि हमें जो बाबा साहब ने संविधान के द्वारा प्रदत्त आरक्षण और रिप्रेजेंटेशन की बात की थी वो सरकार ने पूरी तरह से नकार दिया है। सरकार जो है नहीं चाहती कि किसी तरह से जो है विश्वविद्यालयों के अंदर, हायर एजुकेशन के अंदर जो है आरक्षण हो। तो ये आरक्षण और रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि रोस्टर जो है लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। रोस्टर सोचते हैं कि कोई आने जाने वाली एक ऐसी परंपरा है, लेकिन हम बताएंगे कि जहां 10 पोस्ट है, 10 पोस्ट में आपकी एक पोस्ट आ रही है, तो लोग समझेंगे कि ये 90% रिप्रेजेंटेशन किसका हुआ, सामान्य का। SC ST का केवल क्या कितना परसेंट रहा, केवल 10%। तो 90% जो है सामान्य वर्ग ले रहा है और 10% जो है वो केवल SC को जा रहा है। ऐसी स्थिति में लोग ने, हमारा जो युवा है वो जुड़ेगा कि हाँ मेरी पोस्ट कहाँ जाएगी। तो हमें लोगों को समझाना है कि रिजर्वेशन और रोस्टर में क्या अंतर है। सर, एक बात और लास्ट में आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके यूनिवर्सिटी में अभी इलेक्शन होने वाले हैं फरवरी में। दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि 13 पॉइंट रोस्टर से तो जनरल कैटेगरी को तो फायदा है, आप मेरी बात समझ रहे होंगे शायद क्या कहना चाह रही हूँ मैं, क्या इसमें आपके जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं या डूटा है या जो जो SC ST OBC कैटेगरी में नहीं आते वो आपके साथ में होंगे? देखिए, कुछ ऐसे सामाजिक न्याय के लोग भी हैं जो हमसे जुड़ेंगे, सभी एक जैसे नहीं है, लेकिन ये जो सरकारी शिक्षक संगठन है वो इस बार पूरी तरह से ध्वस्त होगा। क्यों? क्योंकि उसने जो एकदम तुरंत मार की है आरक्षण के ऊपर, रोस्टर के ऊपर, तो हमारा टीचर देख रहा है, क्योंकि आने वाले समय में 50% से ज़्यादा हमारा टीचर, यदि ये लागू हो गया, जो SLP खारिज हुई है और डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर यदि आ गया, तो सबसे ज़्यादा बाहर कौन होगा? सबसे ज़्यादा SC ST टीचर, दलित और आदिवासी बाहर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमारा टीचर देख रहा है कि हमें किस दिशा में जाना है। अब हमें एक मंच पर बिना किसी उसके
डूटा की मदद लेंगे हम, क्योंकि डूटा हमारा अपना संगठन है और यदि डूटा हमारे साथ आता है तो ये मुहिम जल्दी से हम जीत सकते हैं। लेकिन सरकारी संगठन इस पर कुछ नहीं बोल रहा है, ये मूक दर्शक बना हुआ है। तो 2019 में वो भी हारेंगे और 8 फरवरी को जो चुनाव होने वाला है उस चुनाव में उनकी पूरी तरह से जमानत जब्त हो जाएगी। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं नाम बताइए पहले और कॉलेज। अमृत मेरा नाम है, मैं DCSE कॉलेज में पढ़ाता हूँ। मैम 10% रिजर्वेशन और इस रोस्टर को एक ही कड़ी में देखता हूँ। जो पहले से अभी इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट की थी मैम कि ओवर रिप्रेजेंटेशन है जिनका, और ये 10% देके और ओवर रिप्रेजेंटेशन उन्हें मिलेगा। दूसरी तरफ जो ये जो रोस्टर है, रोस्टर से मैम हम इसे नागपुर के उस विजन से देखते हैं जो बिहार में कहती है कि आरक्षण का हम जो फिर से रीअपील उसको करेंगे हम। तो कहीं ना कहीं मैम ये जो सरकार है इसका पूरा नेचर जो है वो आरक्षण विरोधी है। ये हम दलित एक्ट के रूप में देख सकते हैं, हम इसे रोस्टर के रूप में देख सकते हैं कि किस तरह ये बहुजन के पूरे बहुजन को ख़त्म करने के लिए उसे जो संविधान में एक रिप्रेजेंटेशन का हक मिला हुआ है उसे किस तरह से बाहर ये ब्राह्मणिकल सिस्टम करना चाहता है वो नागपुर से संचालित हो रही है। ये मोदी सरकार मैम आरक्षण विरोधी सरकार है। नहीं चले।